संगीतमय वातावरण में आइए हम सुरती का दिया जलाएं। अपनी सुरती, अपनी स्मृति, अपनी रिमेम्बरेंस को पुनः पुनः लौटा लाएं। माइंड के हाथ लगी सुरती संसार की ओर जा रही है, एक झूठ की ओर जा रही है। थोड़ा माइंड से हटकर के हम अपने स्वभाव में लौटें, अपनी सुरती को जगमगाएं, एकमात्र अपनी याद, अपनी स्मृति को लौटा लें। वहीं मैं हूं कौन अच्छी तरह से डिस्कवर कर रहे हैं तो ये जीवन धन्य धन्य हो उठेगा। आइए थोड़ी देर के लिए हम भीतर की ओर चलें, अंतस की धरा पर निरंतर विराजमान रहें। लगातार वाच करते रहना भीतर को, जो भी हो रहा है उसको देखते रहना। आप अपनी ओर से कछु कल्पना नहीं करना, कछु इमेजिन नहीं करना। हर पल, हर क्षण, हर मोमेंट तुम जागे रहना। मन की गोदी में सोए सोए सारा जन्म ना गुजार देना। थोड़ा जागे जागे मन माया की गति को देखते रहना, मन के विस्तार को देखते रहना। लगातार वॉचफुल रहना और कुछ करना नहीं, केवल देखते रहना जो भी हो रहा है। जो हो रहा है स्वतः हो रहा है, माइंड के तल से जो जो उठ रहा है, विचारों की भीड़, विचारों की गति, विचारों की आवाजाही, विचारों का आवागमन, सब देखते रहना। भीतर के अंधेरों में हर एक स्थिति का अनुभव लेना। अभ्यास से अनुभव की ओर, पावन पवित्र जीवन यात्रा। तेरे को शिखर फलित करे। केवल देखना, माइंड की गतिविधियों को, माइंड की तमाम एक्टिविटीज को वॉच करते रहना। लगातार देखते रहना जो भी हो रहा है। भले कितना भी घना अंधेरा हो तुम्हारे भीतर, उसी को देखते रहना। लगातार वाच करते रहना, हर एक स्थिति को, हर हालात को देखते रहना। निरंतर जागे जागे देखते रहना। किसी का पक्ष नहीं लेना, किसी की फेवर नहीं करना। कितना भी अच्छा हो, कितना भी बुरा हो, भीतर का तल आप केवल न्यूट्रल एनर्जी होकर के, निष्पक्ष निरपेक्ष होकर के देखते रहना। उसमें इंडल्ज नहीं होना, कहीं लॉस्ट नहीं होना, कहीं भी जुड़ाव ना पैदा हो जाए। अपने आप को बचा के रखना, बहुत सहज, बहुत सरल, बहुत साधारण होकर के रहना। तनिक मात्र कोशिश नहीं करना। आपके पास थर्ड आई है, शिव नेत्र है, उसका उपयोग करना। अपनी थर्ड आई, अपने शिव नेत्र से वाच करते रहना। बाहर की दोनों आंखें बाहर को देख सकती हैं, भीतर को नहीं देख सकती। भीतर को देखने की कला आपके पास थर्ड आई है। आप जैसी पल के मूंद के भीतर की ओर मुड़ते हो, वो जगमगा जाती है। अनुभव होने लगता है कि भीतर क्या है, कैसा है, कहाँ है, कौन है, सब तुझे पता लगता चला जाता है। ये थर्ड आई का कमाल है। भीतर केवल वही जगमगाती है, बाहर की आंखें बाहर रहती हैं, वो भीतर काम नहीं आती। तेरे भीतर तेरी थर्ड आई, तेरा शिव नेत्र, यही जगमगाता है। आप उसी में समाहित हो जाएं, उसी में, उसी के अंतर्गत हो जाएं और जागे जागे देखते रहें जो भी हो रहा। माइंड का खेल, माइंड की एक्टिविटीज को वॉच करते चले जाएं। डायरेक्ट वॉचिंग विल हेल्प यू टू बी थॉटलेस वेरी सून।
बार बार वाच करना, बार बार पुनः पुनः लौटते चले आना अपने स्वभाव में। यू आर नॉट ए माइंड, यू आर ए सीयर ऑफ इट, रियलाइज इट। आप देखने वाले दृष्टा हैं, साक्षी हैं, अकर्ता हैं। तुम अपना स्वभाव बनाए रखना, माइंड स्वतः ही शांत आनंदित मुदित होकर के तेरी ओर मुड़ेगा। अभी तो काफी बिखरा हुआ है, काफी भटका हुआ है, अभी तो मेडिटेशन को तनिक मात्र भी पसंद नहीं करता, ये जरा सा भी मेडिटेशन को स्वीकृत नहीं करता। इट डज नॉट लाइक मेडिटेशन। मेडिटेशन इज अ रियल डेथ ऑफ माइंड। नो माइंड की स्टेट में उतरना पड़ता है उसको, तेरे अंतर्गत होना पड़ता है, तेरे ऑर्डर पे जीना पड़ता है, रहना पड़ता है। दैट डज नॉट लाइक इट। स्टिल यू विल हैव टू वॉच इट। वॉच करते करते, देखते देखते एक दिन ये अपने आप समर्पित होता है, और जिस समय समर्पित होता है तुम सच्चित आनंद स्वरूप होते हो, तुम चारों दिशाओं के मालिक होते हो। ये परम घटना घटित हो जाए, तेरे भीतर मालो माल हो जाओगी, सदा सदा के लिए आबाद हो जाओगी। छोटी सी युक्ति है और मुक्ति में देर नहीं लगेगी, इसे पिरो लीजिएगा। बार बार जागिए, बार बार देखिए, बार बार जानिए, बार बार अपने जीवन की कला को जगाइए। केवल देखते रहना और कुछ करना नहीं, भीतर की आंख से भीतर को देखते रहना, अंतस की नजर से अंतस को देखना, अपने शिव नेत्र अपनी थर्ड आई के माध्यम से भीतर को अच्छी तरह भांप लेना। ये सब तेरे पास है, कहीं से इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, कहीं से भी कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। आप स्वयं सामर्थ्यशाली हैं हर एक स्थिति में। भीतर के तल पर जगमगाना तेरा धर्म है, यही तेरा धर्म है, एकमात्र यही धर्म है इंसान का। भीतर कोई अंधेरा ना बचे, अधिक से अधिक सुरति कमाइए, अधिक से अधिक भीतर का जागा संभालिए। बहुत होलिया मन के साथ रहते रहते हैं, अब थोड़ा मन से हट करके रहिएगा। सब टेंशन्स, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेसफुल स्टेट अपने आप विदा हो जाएगा। तनिक मात्र टेंशन्स, डिप्रेशन तुझे छू नहीं सकता, स्ट्रेसफुल स्टेट कभी आ नहीं सकती तेरे जीवन में। ऐसा निराला व्यक्तित्व हो सकता है तू। क्या वंडरफुल इनर जर्नी है तेरी। अगर इस जर्नी में उतर गए तो जीवन जगमगा जाएगा। ओंकार आमीन आमीन। साई में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है। साई में तुम्हारे हैं, गुरु पूर्णिमा का गजब का नूर उतरा। साई में तुम्हारी है, किस्मत ये हमारी है। साई में तुम्हारी है, किस्मत ये हमारी है। कुर्बान दिलो चाहे क्या शान तुम्हारी।
कुर्बान दिलो चाहे क्या शान तुम्हारी है, साई में तुम्हारी है किस्मत ये हमारी तुझको क्या चीज हमारी है, क्या भेंट करूं तुझको ओ मालिक ओ मुर्शिद ओ साहिबा ओ मीर, क्या भेंट करूं तुझको क्या चीज हमारी है, क्या भेंट करूं तुझे गुरु पूर्णिमा पे क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं तुझको क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है जा भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है ये जा भी तुम्हारी गुरु पूर्णिमा के प्रिय युवाई सभी साधक विराजमान होकर के रात के एक बजे तक धुन पे धुन चली बाबा रामकृष्ण के द्वार पर और सब संगीतमय होकर के गूंज उठे, यही गीत गाया यही संगीत छेड़ा यही तन के तार बजने लगे और यही गीत संगीत उनके रोम रोम जरे जरे से उतरता चला गया। वाहरे नरेन अपने 12 के 12 गुरु भाइयों सहित रात के 1 बजे तक यही दीप गूंजा, यही एकमात्र प्रकाश गूंजा, यही एकमात्र रोम रोम जरे जरे से आवाज उठी। दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत तेरी प्यारी है, ओ गुरुवर ओ मुर्शिद साहिबा ओ बाबा रामकृष्ण, सूरत तेरी प्यारी है, दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत तेरी प्यारी है, दिल कश तेरा नक्शा है, सूरत तेरी प्यारी है, जिसने तुझे देखा है
सो जान सिवारी है। जिसने तुझे देखा है सो जान सिवारी है। जिसने तुझे देखा है सो जान सिवारी है। जिसने तुझे देखा है सो जान सिवारी है। साई में तुम्हारी है किस्मत ये हमारी है। साई में तुम्हारी गुरु पूर्णिमा किस्मत ये हमारी है। कुर्बान दिलो चाहे क्या शान तुम्हारी है। कुर्बान दिलो चाहे क्या शान तुम्हारी है। साई में तुम्हारी है किस्मत ये हमारी है। साई में तुम्हारी है किस्मत ये हमारी है। चाहे लाख गुना होंगे फिर भी हम तुम्हारे हैं। चाहे लाख गुना होंगे हमरे फिर भी हम तुम्हारे हैं। चाहे लाख गुना होंगे फिर भी हम तुम्हारे हैं। चाहे लाख गुना होंगे कहलाते तुम्हारे। ओ गुरुवर हम तेरे हैं। चाहे लाखों लाखों गुना लाखों लाखों कमियां लाखों लाखों कमजोरियां हैं हम में, हम छोटे छोटे नादान बालक, हम तरुणावस्था में रहने वाले छोटे छोटे बालक, बहुत बड़ी किस्मत है हमारी कि हम तुम्हारे हैं, कहलाते तो तुम्हारे हैं। चाहे हम कितने चंचल हैं कितने चपल हैं कितने भी अच्छे बुरे हैं हम तुम्हारे हैं। हम कदाचित भी तुम्हें छोड़ करके कभी जाने वाले नहीं, कहीं जाने वाले नहीं। हमारे दिलो जान सब तेरे पे कुर्बान है बाबा। चाहे लाख गुना होंगे कहलाते तुम्हारे हैं। चाहे लाख गुना होंगे कहलाते तुम्हारे हैं। एक नजरे करम रखना ये अर्ज हमारी है। एक नजरे करम करना ये अर्ज हमारी है। गुरु पूर्णिमा के महोत्सव पर ओ बाबा ओ गुरुवर एक नजरे करम करना ये अर्ज हमारी है। एक
नजरे करम करना, ये अर्ज़ हमारी है, ये अर्ज़ हमारी है, वो फर्ज़ तुम्हारा है, ये अर्ज़ हमारी है, वो फर्ज़ तुम्हारा है। एक नजरे करम करना, ये अर्ज़ हमारी है, एक नजरे करम किस्मत ये हमारी है, साए में तुम्हारे है, किस्मत ये हमारी है, साए में तुम्हारी है, किस्मत ये हमारी है, साए में तुम्हारी, क्या गजब की नुरानी किस्मत है हमारी, निराली किस्मत है हमारी, ओ बाली ओ मुर्शिद ओ साहिबा, हम तेरे हैं, हम सदाई तेरे हैं, सर्वदा तेरे हैं, जन्मों जन्मों से तेरे हैं, इस जन्म में हम पूरी बहार लेकर के तेरे चरणों में उतरे हैं। गुरु पूर्णिमा है आज बाबा, पूर्णिमा पूर्णिमा पूर्णिमा, हम सबके भीतर जगमगा उठे, हम सबके अंधेरे विदा हो, हम सबका अंधकार विदा हो, गो अंधेरा रूप प्रकाश, अंधेर से प्रकाश की ओर, तमाम डार्कनेस से लाइट की ओर, अंधेरों से प्रकाश की ओर, हम गुरु पूर्णिमा के पावन पवित्र सु अवसर पर अपनी प्यास उठा रहे हैं, दर्द उठा रहे हैं, दीवानगी उठा रहे हैं, मालिक ओ मुर्शिद ओ साहिबा, साए में तुम्हारी है, हम सब तेरी चरण शरण में हैं, एकमात्र तेरी शरणागति में हैं, सब और से हट करके हमने आपके चरण शरण को छाती से लगा करके चूमा है, हम तेरे हैं और तुम्हारा एकमात्र जगमगाता नूर, चमकता दमकता नूर, नूरानी जिंदगी की बहारें हम सबके ऊपर बरसात बनकर के उतरे, हम सब पे कृपा करुणा का रहमत का आलम बनकर के उतरे, यही एकमात्र प्रार्थना है आज आपके चरणों में, हमारी प्रार्थना स्वीकार करना मालिक ओ मुर्शिद ओ साहिबा। आज गुरु पूर्णिमा का महोत्सव, बहुत बड़ी किस्मत लेकर के उतरा है, हम सबके लिए बहुत बड़ी किस्मत, बहुत बड़ा कर्म लेकर के उतरा है, बहुत कृपा लेके उतरा है, ये करुणा की पुकार, ये एकमात्र रहमत की पुकार स्वीकार करना मालिक, हमें और कुछ नहीं आता, कुछ भी तो नहीं आता, एक प्यास लगन उत्कंठा के दीप तेरे चरणों में भेंट करने के लिए हम चले आए, बाहर बहुत कुछ आता है, बाहर बहुत बहुत कुछ आता है हमको, किंतु भीतर हमें कुछ भी नहीं आता, भीतर के बुद्धू
एकमात्र बुद्धू हैं हम बाबा, हमें स्वीकार कर लेना जैसे कैसे भी है। साई मी तुम्हारी है, किस्मत ये हमारी है। साई मी बहुत खूबसूरत किस्मत वाले हैं हम, बहुत बड़ी किस्मत वाले हैं हम, क्योंकि हम साई में तुम्हारी है, किस्मत ये हमारी है। साई में तुम्हारी है, किस्मत ये हमारी है। कुर्बान दिलों जाए क्या शान तुम्हारी है, कुर्बान दिलों जाए क्या शान तुम्हारी है। साई में तुम्हारी है, किस्मत ये हमारी तुम्हारी है, किस्मत ये हमारी गुरुवे नमः। ओम गुरुवे